उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है। आज आईसीसी सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। कुंभ मेले व माघ मेले का के संबंध में बैठक करेंगे। 1:50 पर परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे सीएम योगी। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 3:30 पर जनप्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे। 3:50 पर आईसीसी सभागार में मेला प्राधिकरण पहुंचेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। आईसीसी सभागार में समीक्षा करेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे और कुंभ मेला व माघ मेले के संबंध में बैठक करेंगे। बता दें कि 1:50 पर परेड ग्राउंड प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और 3:30 पर जनप्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे। बता दें कि 3:50 पर आईसीसी सभागार मेला प्राधिकरण पहुंचेंगे और खुद मुख्यमंत्री जो है इस विषय में बैठक करेंगे, इस विषय के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट लखनऊ से शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, आज मुख्यमंत्री का प्रयागराज दौरा है और आईसीसी सभागार में समीक्षा बैठक तो करेंगे ही, साथ ही कुंभ मेले व माघ मेले के संबंध में खुद बैठक करेंगे। देखा जा रहा है कि कुंभ मेले और माघ मेले में बड़ी संख्या में जो है भीड़ उमड़ती है और उसके विषय में बातचीत खुद ही मुख्यमंत्री करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी झांसी का कार्यक्रम है, उनका सुबह के बाद में 2 बजे वो विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रयागराज के परेड ग्राउंड में। जो कार्यक्रम आया मिनट मिनट, उसके बाद में 3 बजे जनप्रतिनिधियों से भेंट और वार्ता है, वो भी परेड ग्राउंड में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। 4 बजे आगामी प्रयागराज कुंभ मेला व माघ मेला के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। आईसीसी सभागार में मेला प्राधिकरण जो है वहां पर भी ये बैठक होनी प्रस्तावित है। साफ तौर पर इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि आस्था से जुड़ा विषय है। आस्था वादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो मेला और माघ मेला के संबंध में जो हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग आते हैं, जो भीड़ आती है, उनको श्रद्धालुओं को कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो जिससे उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़े, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही खुद चिंतित है। खुद पूरी मॉनिटरिंग प्रयागराज में होने वाले प्रयागराज में जो कुंभ का मेला है उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आला अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं, आज उसका जो जमीनी खाका है वो उसे देखेंगे और उसमें जो परिवर्तन होंगे, जो अधिकारियों की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करेंगे, किस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है, क्या उससे और हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। खासतौर से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और वहां पर जो गोपाल नंदी है आला अधिकारी और कई मिनिस्टर वहां पे आज मौजूद रहेंगे। साफ तौर पर आज का दिन प्रयागराज के लिए भी खास है और आने वाले कुंभ मेले और माघ मेला के संबंध में जो समीक्षा बैठक होगी उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो मेला होगा, जो माघ मेला होगा प्रयागराज कुंभ, जो की ऐतिहासिक अपना स्थान लगता है इतिहास में, उसमें कोई कसर नहीं होगा। पिछली बार से ज्यादा की तादाद में श्रद्धालु आएंगे, उन्हें यानी किसी तरह की दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके साथ जी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने खुद ही कमान अपने हाथ में सौंप ली है, हर एक व्यवस्था को वो जो है बड़ी ही बारीकी से देखने वाले हैं। निश्चित तौर पर एक अलग लगते होगा, क्योंकि अस्मिता की लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, दूसरा वीडियो उनका चल रहा है 2.0 की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं इस तरह के बड़े आयोजनों का और ग्राउंड लेवल पे जाकर के देखना उनका काम, जो की काम पहले अधिकारियों को करते थे। पहले के मुख्यमंत्री शायद इतने संजीदा नहीं थे, लेकिन आस्थावादी और क्योंकि महंत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इस तरह के जो आस्थावादी कार्यक्रम रहते हैं, पौराणिक कार्यक्रम रहता है जिनका ऐतिहासिक अपना अलग महत्व होता है, तो उसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथ में रखते हैं और श्रद्धालुओं को कोई भी कमी ना रहे, किसी तरह की उन्हें अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसका पूरा ध्यान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखते हैं जिसका सीधा प्रभाव आज है कि कुंभ मेले से पहले समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिशा निर्देश, कार्यप्रणाली पर एक स्केच जो उन्होंने तैयार किया है उसका अवलोकन करना और उसमें खामियों का भी जो खामियां उनको लगती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसके विषय में डिस्कस करके उसके लिए जो विकल्प निकलेगा उस पर भी वो चर्चा कर सकते हैं।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे पहले तो झांसी दौरा है, उसके बाद प्रयागराज में पहुंचेंगे सीएम योगी। बता दें कि आज कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। 3:30 पर जनप्रतिनिधियों से भेंट वार्ता भी की जाएगी। साथ ही 3:50 पर आईसीसी सभागार मेला प्राधिकरण पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, सुबह से ही दौरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया, सबसे पहले झांसी दौरा है, उसके बाद प्रयागराज दौरा है और कुल मिलाकर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री, लोकार्पण करेंगे। करोड़ों के विकास योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। साथ ही कुंभ मेले और माघ मेले के विषय में जो है बैठक वार्ता खुद उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे।